नाबालिग से रेप का मामला, जांच के बाद जिम्मेदारों पर गिरी गाज। ग्रामीण एएसपी ने सुकेत थानाधिकारी को लाइन हाजिर किया, एक एएसआई निलंबित। निखरेगी सूरत, कोटा में डकनिया पर लूप लाइन के लिए मिले 29 करोड़, 11 करोड़ से स्टेशन की दशा भी सुधरेगी। राजस्थान फोन टेपिंग केस, हंगामे के कारण 4 बार विधानसभा स्थगित। भाजपा एमएलए 7 दिन के लिए सस्पेंड, गहलोत बोले ये भाजपा का आपसी झगड़ा। फोन टेपिंग पर गहलोत ने 36 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी, सीएम ने कहा ऐसा लगता है फोन टेपिंग बीजेपी का आपसी झगड़ा, वर्चस्व की लड़ाई है, सदन को बेवजह डिस्टर्ब करने की कोशिश। 3 बांधों का होगा जीर्णोद्वार, 150 करोड़ से होगी 50 साल पुराने चंबल के 3 बांधों की मरम्मत, सरकार ने जारी की राशि। राजस्थान में फिर बड़ा कोरोना, लगातार 6ठे दिन 200 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले, प्रदेश में 16 दिन में एक्टिव केस 2 गुने होकर 2661 हुए। 15 साल पुराने वाहन 31 मार्च के बाद शहरी एरियों में नहीं चल पाएंगे, प्रदेश में करीब 1.40 लाख पुराने वाहन। अब आम जन को मिल सकेगा रेलवे अस्पताल में मुफ्त इलाज, ओपीडी सिर्फ रेलवे के लिए। राजस्थान में अपराध का ग्राफ, एक साल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के 80,000 मामले, 12,000 मामले तो सिर्फ रेप और गैंग रेप के। फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े फायरिंग, सुबह 11:30 बजे भरे मार्केट में 4 बाइक से पहुंचे 7 बदमाश, 10 मिनट में 20 गोले चलाए, डर कर दुकानदारों ने शटर गिराए।